हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल न्याहिद यूनिक फूड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड बर्फी बनाना, यानी कि ब्रेड से बर्फी कैसे बनाएंगे ये बहुत ही इजी वे में मैं आपको सिखाऊंगी, जो खाने में बहुत ही डिलीशियस होगी, किसी भी दूध की बर्फी से कम नहीं है। आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही यमी सी बनकर रेडी होती है। इसके लिए मैंने रेगुलर साइज की ब्रेड ले ली है, मैंने यहाँ 5 ब्रेड स्लाइसेस ली हैं। इसको हम ग्राइंडर में डालकर अच्छे से फाइन एक पाउडर बना लेते हैं। मैंने इसके साइड के ब्राउन पार्ट को कट नहीं किया है, आप चाहें तो कट कर सकते हैं। इसको हमें पहले फाउन पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए, हमें इस तरह से पाउडर फॉर्म में ये तैयार हो जाएगा। इसको एक प्लेट पर बाहर निकाल लेते हैं। एक कप में अगर ये मेजर करेंगे हम तो लगभग ही एक कप ये हमें ब्रेड क्रम्स तैयार मिले। अब एक कढ़ाई में हम 1.5 कप दूध डाल देंगे और आधा पाव इसमें मलाई डाल देंगे। अगर आप मलाई का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको 2 कप दूध का यूज़ करना है, ठीक है। ये देखिए, आप इसमें एक बॉयल आने के लिए हम फ्लेम को हाई कर देते हैं। ये देखिए, इसमें बॉयल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और इसको हम चलाते हैं ताकि दूध बिल्कुल भी ना जले और बॉयल होके बाहर ना गिर जाए। इसके हम साइड्स भी छुड़ाते जाएंगे और इसको बीच बीच में चला भी देते हैं, ऊपर नीचे भी कर देते हैं। हमें दूध को जब तक गाढ़ा करना है जब तक ये 1/4 हिस्सा ना बचे, यानी कि 1/4 हो जाए, तब तक हम इसे अच्छे से गाढ़ा करना है। देखिए, गाढ़ा होना शुरू हो गया, इसका अच्छा सा कलर आने लगा है, येलो येलो सा। बिल्कुल 1/4 दूध हो गया है। अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स डाल देते हैं जो हमने बनाए हैं मिक्सर जार में डालकर। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को हम इस समय थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं ताकि अच्छे से हम मिक्सचर तैयार कर लें और इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। बहुत ही आसानी से इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं दबाते हुए। ये देखिए, इस तरह से हम इसको अच्छे से अब भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। देखिए, अच्छे से भून गया है, हमारा दूध बिल्कुल भी अब नहीं है, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। यहाँ मैंने मलाई भी यूज़ की थी तो मलाई से भी देसी घी बाहर आएगा। अगर आपने मलाई नहीं डाली है तो आप 2 चम्मच देसी घी डाल सकते हैं इसमें। और इसको डालकर अब हम अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए, कितना अच्छा सा शाइनिंग आ गई है देसी घी से इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप शक्कर। आप चाहे तो कम शक्कर और ज़्यादा थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1/2 कप बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हम मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी से धीमी आंच पर हम इसको मिक्स कर लेते हैं। आप हम इसको भूनते हैं लगभग 2 से 3 मिनट तक के लिए। मीडियम आंच पर हमें 2 से 3 मिनट तक इसको भून लेना है। हमारी ब्रेड बर्फी बिल्कुल रेडी है मिक्सचर। अब हम एक थाली पर इस तरह से ग्रीस कर लेंगे देसी घी। आप चाहें तो ऑयल भी ग्रीस कर सकते हैं। अब हम बैटर को डालकर इस तरह से टैप करते हुए स्क्वायर शेप में कर लेते हैं। ये देखिए, हमें ज़्यादा ना मोटा रखना है ना ज़्यादा पतला रखना है। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं गार्निश के लिए, ये ऑप्शनल है। थोड़ा सा काजू, बादाम और पिस्ता इसमें कट करके डाल देंगे और इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। आप इसे फ्रिज पे बिल्कुल ना रखिएगा। ये देखिए, 1/2 घंटे हो गए हैं, ये बिल्कुल रेडी है। हम इसे अब कट कर लेते हैं अपने मनचाहे शेप में। आप चाहें तो इसको सर्कल शेप या डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं। मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ जिससे कि बर्फी हमें मिलती है। ये बिल्कुल रेडी है, इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये कट गई है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये परफेक्ट स्लाइस बाहर आ गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।